हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया, जिसका असर पूरे जिले में देखने को मिला। वहीं रोडवेज के कर्मचारियों ने निजीकरण और अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में अपनी भागीदारी दिखाई। इस दौरान रोडवेज यूनियन के प्रधान दलवीर किरमारा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक बसों का चक्का जाम रहेगा। लगातार 40 और 35 साल नौकरी करता है और ये पूर्व की जो बीजेपी की सरकार थी उसने फैसला किया। हिसार में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है और जिसका असर भी पूरे जिले में देखने को मिला। तो वही रोडवेज के कर्मचारियों ने निजीकरण और अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में अपनी भागीदारी दिखाई। इस दौरान रोडवेज यूनियन के प्रधान दलबीर किरमारा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक बसों का चक्का जाम रहेगा। कप्तान हो चाहे वो डीसी साहब हो, जो 2006 के बाद लाके है उनकी किसी की पेंशन नहीं है, लेकिन जो 5 दिन एमएलए बन गया, 5 दिन एमपी बन गया और वो निजीकरण समेत अन्य कई मांगों को लेकर लगातार 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई है। ऐसे में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है और इस हड़ताल में निजीकरण और कई अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने अपनी भागीदारी दिखाई। और इस दौरान रोडवेज यूनियन के प्रधान दलबीर किरमारा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक बसों का चक्का जाम रहेगा। पुलिस का कप्तान हो चाहे वो डीसी साहब हो, जो 2006 के बाद लाके हैं उनकी किसी की पेंशन नहीं है, लेकिन जो 5 दिन एमएलए बन गया, 5 दिन एमपी बन गया और वो 5 बार बन गया, तो उनकी लगातार पेंशन बढ़ती है और बार बार पेंशन बढ़ती है। लेकिन एक कर्मचारी लगातार 40 और 35 साल नौकरी करता है और ये पूर्व की जो बीजेपी की सरकार थी उसने फैसला किया कि कर्मचारियों की पेंशन जो बंद करने का काम किया था वो उन्होंने ही किया था। लेकिन हमारे बीच में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो किसानों का आया, क्योंकि यहाँ जो सारे जो प्रदेश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर रोडवेज ने चक्का जाम किया है, जिसका असर कई जिलों में देखने को मिला है। जहां प्रदेश में लगभग 3000 बसों की गति रुक गई है, तो वहीं जींद में 150 बसों का पहिया थम गया है, जिसके चलते जींद से दिल्ली, आगरा और अन्य रूट की सेवाएं बाधित हो गई है। हालांकि जिले के डीएसपी रोहतास ने दावा किया है कि बसों को निकलवाया जाएगा और साथ ही मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। जानकारी के मुताबिक रोडवेज कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाना और निजीकरण के खिलाफ जैसी कई अन्य मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल 2 दिन की रहेगी और हरियाणा से इसको पूरा समर्थन मिलेगा। तो प्रदेश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर रोडवेज ने चक्का जाम किया है। हमारा बिल्कुल पूर्ण चक्का जाम है और सांझा मोर्चा के बैनर तले सभी कर्मचारियां इकट्ठे होने लग रहे हैं। जो जो साथी आते रहते हैं वही गरीब बैठ जाते हैं और हड़ताल पूरी दो दिन रहेगी। किस तरह पूर्ण चक्का जाम रहेगा? 28 तारीख को, कल 29 तारीख को और क्या मांगे जी आपकी? मांगे तो 32 सूत्री मांग पत्र सरकार को गया हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दें, जो मेन मांगे हैं जैसे पुरानी पेंशन बहाल करना, निजीकरण पर रोक लगाना, विभाग में नई बसें शामिल करना, पक्की भर्ती करना, इस समेत बहुत मांगे ऐसी हैं जो कर्मचारी जिनके लिए तो फिर है, लेकिन सरकार बातचीत कर लेती है, मांगे लागू नहीं। जिसे कर्मचारियों में बहुत रोष है और रोष स्वरूप आज ये हड़ताल आपके सामने है। कर्मचारी सब यहाँ संदीप रंगा सदस्य संजा मोर्चा, आज दिनांक 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, पूरे देश में हड़ताल है और पूरे हरियाणा रोडवेज का भी पूरा चक्का जाम रहेगा। इसमें हमारी बहुत सारी मांगे, हमने 32 सूत्रीय मांग पत्र हरियाणा सरकार को दे भी रखा है। जब भी हमारी टेबल पे सरकार के साथ वार्ता होती है, सरकार बिल्कुल आमद लेती है भाई लागू करेंगे, परंतु इसको धरातल पर लागू नहीं करती। और इसमें भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन लागू करना, निजीकरण को रोकना, रोड सेफ्टी बिल, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रोडवेज के बेड़े में 10,000 पर शामिल किए जाए, तो इसमें हमारी बहुत सारी मांगे। तो कब तक चलेगा ये? 2 दिन चलेगा, पूरा 28 और 29 मार्च को पूरे प्रदेश में।
तो सभी बसें बंद हैं? हाँ बिल्कुल सभी बसें आप दूर मिलकर देख सकते हो। हमारे कर्मचारियों को कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, यहाँ दरी पे आके बैठ जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरह चक्का जाम रहेगा। ये ना काम अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। जो बसें बिल्कुल निकल रही सुबह से जो भी टाइम थे 4:20 से शुरू बसें हो रही, दिल्ली वाले भी है, चंडीगढ़ वाले भी, सभी बसें निकाली हमने। ये रोक कर जो हम नहीं मानेंगे, हमारे पास काफी फोर्स है, डोजर हमारे पास यहाँ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। तो सर क्या मांगे है सर इनकी? जो ये मांग रहे अपनी मांग रहे, ये बात का हमें कोई मालूम नहीं है क्या मांग रहे। तो सर ये कह रहे चक्का जाम है तो आज सर बस चल रही है, गाड़ी चल रही है, बिल्कुल चल रही है पहले की तरह सर, बिल्कुल पहले तरह चल रही है। तो कितनी फोर्स लगाएगी सर? अभी फोर्स मेरे पास 2-3 रिजर्व है, काफी फोर्स है मेरे पास, कोई सी बात नहीं। और जितने बच्चे जो टाइम है बिल्कुल उनके हिसाब से टाइम निकल रहे। चरखी दादरी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, इतना ही नहीं कर्मचारी और पुलिस बल भी आपस में धक्का मुक्की भी हुई। तो वही कम ही बसों के चलते सवारियां भी इधर उधर घूमती नजर आई। तो वही कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल कामयाब करने की हुंकार भरी। साथ ही कर्मचारी नेताओं ने कहा कि 2 महीने पहले सरकार को हड़ताल का अल्टीमेटम दिया था और जिला प्रशासन की ओर से भी बोला गया था कि हड़ताल के चलते बेवजह घर से ना निकले, बेहद जरूरी हो तो ही घर से निकले। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चरखी दादरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रव्यापी हड़ताल के डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। और इतना ही नहीं कर्मचारी और पुलिस बल में आपस में धक्का मुक्की भी हुई। तो वही कम ही बसों के चलते सवारियां भी इधर उधर घूमती नजर आई। वही कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल कामयाब करने की हुंकार भरी और साथ ही कर्मचारी नेताओं ने कहा कि 2 महीने पहले सरकार को हड़ताल का अल्टीमेटम दिया था और जिला प्रशासन की ओर से भी बोला गया था कि हड़ताल के चलते बेवजह घर से ना निकले और बेहद जरूरी हो तो ही घर से निकले। देखिए जिस प्रकार से हम कहना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक है, न कि एक दादरी डिपो में, और वो सभी डिपार्टमेंटों में है। और इस हड़ताल में जो हमारे दूसरे जन संगठन है, चाहे वो किसान मोर्चा है, उसके अलावा और दूसरे भी विभागों के कर्मचारी हैं, तमाम के तमाम इस हड़ताल में शामिल हैं और ये हड़ताल हमारी 99% कामयाब है। तो कहीं ना कहीं सवारियों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, लंबे रूटों की बसें हैं वो भी कई प्रभावित हो रही हैं, कुछ बसों का संचालन चालू है। लगभग 2 महीने पहले से ही हमने सरकार को नोटिस दे रखा है, ये ऑल इंडिया स्तर की जो 10 ट्रेड यूनियन है उन ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर ये हड़ताल रखी गई है। Oh, yeah.